कि एक बाप जो है वो साया होता है, साहिबान, चाहे जिस एज में भी हो, एक औलाद के ऊपर एक बाप बाप होता है। कितनी मेहनत करता है कि मेरी औलाद खुश रहे, कितनी मेहनत करता है कि मेरी औलाद की तालीम अच्छी रहे। कभी हमने नहीं सोचा ऐसा ना मोहतरम कि हमारा बाप किन सख्तियों से गुजर कर यहाँ तक पहुंचा है। आज की औलाद तो वैसी माशाल्लाह है, माशाल्लाह, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब चाहिए, देना कुछ नहीं है, नहीं दो तो बोलेंगे हमारे लिए किया क्या था। हदीस में है कि बाप की दुआ औलाद के लिए आसमान को चीरती भी जाती है। यकीनन माँ की सिफारिश ज्यादा है, लेकिन बाप, और बाज़ वक़्त हम अपने बाप को शुक्रिया भी नहीं कहते जिंदगी में, माँ के पांव तले जन्नत अल्लाह ने रखी है, लेकिन बाप भी तो साहिबान है। बाप है तो माँ की जन्नत है ना, जाने मोहतरम, अगर बाप नहीं है तो माँ कहाँ से आएगी।